दोस्तों, मेरी सीरीज टिप्स फॉर सक्सेसफुल बिजनेस के इस एपिसोड में पहले मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे एक स्टोरी सुनाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज की टिप क्या है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ मुकेश मोहन गुप्ता। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, सुनाता हूँ एक सच्ची स्टोरी अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। एक हमारे चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के एक मेंबर काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे थे और वो मुझसे काफ़ी मिलते रहते थे। वो जब भी मिलते थे तो मुझे बताते थे कि मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत टर्नओवर हो रही है, बड़ा काम है, यहाँ से ऑर्डर है, वहाँ से ऑर्डर है। तो मुझे भी दिल से बड़ी खुशी होती थी कि एक MSME छोटे लेवल से उन्होंने शुरू किया और वो अपनी टर्नओवर जब मुझे बताते थे कि बढ़ती जा रही है तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। दोस्तों, वो जिस बैंक में डील करते थे उनके जो ब्रांच मैनेजर थे वो भी मेरे जानने वाले थे। एक दिन वो मुझसे मिलने आए, बातों बातों में उन्होंने ऐसे जिक्र किया कि सर हमारे यहाँ एक दो कंपनी के बारे में बता रहे थे, तो साथ में उन्होंने इस कंपनी का भी नाम लिया और कहा कि वो बड़ी अच्छी चल रही थी, ठीक ठाक था, सब अकाउंट था, हमने उनको कुछ लोन वोन दे रखे हैं, लेकिन अब थोड़े दिन से वो कुछ डिफ़ॉल्ट में आ गई है, समझ ही नहीं आ रहा सर बिज़नेस का क्या हो रहा है। मैंने बोला अच्छा, उनको तो मैं जानता हूँ, मैं उनसे बात करूँगा। उन्होंने कहा आप जानते हैं? मैंने कहा जी हाँ, मैं जानता हूँ, मैं बात करूँगा। मैंने दोस्तों उनको बुलाया अगले दिन और मैंने उनसे पूछा कि सर आपका बिज़नेस? उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि हाँ जी सर गुप्ता जी, बहुत बढ़िया बिज़नेस चल रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत ऑर्डर्स हैं। तो वो बार बार जो नाम ले रहे थे अपने बिज़नेस के बारे में, जो अपनी सफलता बता रहे थे, वो यही बता रहे थे कि बहुत भरपूर ऑर्डर्स उनके पास अवेलेबल हैं। मैंने उनसे पूछा सर एक बात बताइए, आप तो बता रहे हैं कि बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपके पास बहुत ऑर्डर्स हैं, तो नेचुरली जब टर्नओवर अच्छी है तो बिज़नेस भी अच्छा है, आप प्रॉफिट भी कमा रहे होंगे, ऐसा क्या कारण है कि आपके जो बैंक हैं वहाँ पर आप उसमें थोड़ा डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल का अगर टर्म लोन है तो उसके रीपेमेंट में कुछ आपका डिले चल रहा है? तो उन्होंने जो बात मुझे बताई दोस्तों, उसी से ये आज की टिप निकल कर आई है। दोस्तों, उन्होंने मुझे कहा कि सर हाँ, ये तो बात आपकी ठीक है, मेरे बैंक में कुछ डिफ़ॉल्ट है, आपको कैसे पता चला? तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, आप बताइए कि ये सच है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये सच है बात बिल्कुल। और उसका रीज़न जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि सर क्या है कि ऑर्डर्स बहुत हैं, मैन्युफैक्चरिंग बहुत पूरे जोर से मैं कर रहा हूँ, लेकिन सप्लाई भी कर रहा हूँ, लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तो वो मुझे जो बायर हैं वो टाइम से मेरा पेमेंट नहीं दे रहे हैं और कई जगह तो पेमेंट जो है मेरा अटक गया है 6 महीने और कुछ मेरे बायर्स के पास तो 1-1 साल से मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है। मैंने उनसे कहा अरे अरे भाई साहब सुनिए, मेरे पास भी एक ऑर्डर है, एक 200 करोड़ का ऑर्डर है जो मैं आपको अभी दे सकता हूँ। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा कि अरे सर कहाँ है, दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई साहब देखिए, ऑर्डर भी होगा, माल भी हम लेंगे, लेकिन आपको पेमेंट वेमेंट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि सर ये क्या बोले? मैंने बोला आप ऐसे बिज़नेस को अगर आप कह रहे हैं कि मेरा बिज़नेस सक्सेसफुल चल रहा है, बहुत खुश हैं आप, आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसा बिज़नेस करने का क्या मतलब है? दोस्तों, इसी के बेस पर आज का मेरा एक सक्सेसफुल बिज़नेस का टिप है, डू नॉट डू एग्रेसिव बिज़नेस। दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज़ अपनी डायरी में, डू नॉट डू एग्रेसिव बिजनेस। यानी दोस्तों, होता क्या है और ख़ास तौर से जब हम नए एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो हम एग्रेसिव बिजनेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि खूब हम टर्नओवर करें, हमारा बिज़नेस एकदम से बिल्कुल फ्लरिश हो जाए, खूब बिजनेस में हमारी सेल्स बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, मेरी आज की आपको टिप ये है कि जब भी आप कोई अपना ऑर्डर लें तो प्लीज़ आप इंश्योर करें कि आपका पेमेंट भी टाइम से आता रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका ये जो कैश एक्रूअल है ना, ये जो साइकिल है, यानी आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फिर वो डेटर्स में कन्वर्ट होता है, फिर उसका पेमेंट आता है, फिर आप रॉ मटेरियल उसको परचेज करते हैं, अगर वो बीच में टूट गया, यानी आपका जब डेटर्स कन्वर्ट हुआ और वहाँ से अगर आपको पेमेंट नहीं आया, तो आप आगे ना बिज़नेस कर पाएंगे और जो बिज़नेस आपका पुराना चल रहा है वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरी ये टिप प्लीज़ आज मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डू नॉट डू एग्रेसिव बिजनेस। अच्छी तरह से देखिए, अपने कस्टमर्स की ड्यू डिलीजेंस करिए पूरी तरह से, अगर हो सके तो उनसे LC लीजिए, LC पे बिजनेस कीजिएगा, नहीं तो चेक लीजिएगा एडवांस का, पोस्ट डेटेड चेक लीजिएगा। और दोस्तों, साथ में एक मैं आपको और बताऊँगा टिप, जहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन की इम्पोर्टेंस आपको बताऊंगा। अपनी नेक्स्ट जो मैं आपको टिप बताऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, उसको भी प्लीज़ इंतजार कीजिएगा उसको देखने के लिए। लेकिन आज का मेरा ये टिप कि दोस्तों, कोई भी सेल करने से पहले
चाहे वो एक रुपए की हो या एक लाख की हो या 10 करोड़ की हो, आप प्लीज़ इंश्योर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है, आप इंश्योर कीजिए कि वो पैसा आपको समय से मिल जाए और आप अपना बिजनेस फिर उससे बढ़ाते जाएँ। तो दोस्तों, मेरी इस टिप को आज बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, डू नॉट डू एग्रेसिव बिजनेस। जब भी बिजनेस करें, अपने बायर का अच्छी तरह से ड्यू डिलीजेंस करके, सब डॉक्यूमेंट एकदम बिल्कुल इंटैक्ट करके, तभी आप कोई टर्नओवर करें, इंश्योर करें कि आपका जो पैसा है सेल का वो टाइमली आपको वापस मिल जाए। दोस्तों, आपका जो ये प्यार मुझे मिल रहा है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस, और इसी ने मुझे एनकरेज किया है ये सीरीज शुरू करने के लिए, जिसका नाम है टिप फॉर सक्सेसफुल बिजनेसेस। तो एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे रात को 10 बजे इसका एक एपिसोड, इस सीरीज का एक एपिसोड आपके पास आता है, और देखने के लिए, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे, आप उसको भूल ना जाए, प्लीज़ इस बेल को क्लिक कर दीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है MSME हेल्पलाइन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और साथ में अगर आपको लगे अच्छा, आप ऐसा समझते हैं कि आपके कुछ जो बिजनेसमैन मित्र हैं या जो कुछ स्टार्टअप हैं वो भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा ले सकते हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, नमस्कार।